गाइस, मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे सर ग्लो एंड क्लीन ब्यूटी क्रीम के बारे में। हमें जानकारी दी इस क्रीम के क्या यूजेस है और ये जो क्रीम हमको ओरिजिनल काफ़ी मिलेगी, क्या इस क्रीम की सच्चाई, आपको इसको कैसे यूज़ में लेना और ये जो क्रीम आपको काफ़ी ओरिजिनल मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखें। तो गाइस, इस क्रीम का नाम है ग्लो एंड क्लीन ब्यूटी क्रीम। गाइस, ये भी क्रीम ना एक प्रकार की पाकिस्तानी क्रीम है, जो कि इसकी कंपनी क्लेम करती है कि ये जो क्रीम आपके चेहरे को 5 दिन के अंदर गोरा करती है, आपके चेहरे को फेयर करती है। और इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात की जाए तो इसमें वही इंग्रेडिएंट डाले जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी क्रीम में यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे इंग्रेडिएंट मेंशन किए जाते हैं हर्बल होते हैं, बट उसके अंदर कुछ ही अलग अलग चीज़ होती है। गाइस देखो, जितनी भी पाकिस्तानी क्रीम आ रही है ना, आपको बोलते हैं कि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, उसके जो बॉक्स रहते हैं वहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं होते। उसके अंदर मलकरी होता है जो कि आपके स्किन को जल्दी तो गोरा कर देता है, लेकिन बाद में आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज करता है आपके स्किन को, आपकी स्किन काले पड़ने लगती है, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। अगर आप कोई भी मरकरी वाली क्रीम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ में लेते हो ना, तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। और गाइस, इसकी जो कंपनी है ना ग्लो एंड क्लीन ब्यूटी क्रीम की, इनकी कंपनी के साथ मैंने खुद भी बात की है, इनकी ना ही अभी तो कोई ओरिजिनल क्रीम इंडिया में आ रही है और ना ही इन्होंने कोई किसी को डीलरशिप दी है। जितनी भी आपको अभी इंडिया में ये क्रीम मिल रही है ना, सारी की सारी डुप्लीकेट है, जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेलर ने इस क्रीम को सेल कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, बट ये जो क्रीम ना आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं, वो डुप्लीकेट क्रीम है जो कि आपको बेची जा रही है। लेकिन अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करना चाहते हो अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि इसकी ओरिजिनल क्रीम अभी भी इंडिया में नहीं आ रही है। आपको जितनी भी क्रीम अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं पे भी मिल रही है ना, सारी की सारी डुप्लीकेट है। तो अब भी गाइस, अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो इसमें ले सकते हो। एक्चुअली मेरा काम है आपको बताना, यूज़ करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है। गाइस वैसे मैंने ना बहुत सारी क्रीम के बारे में आपको बता रखा है, आप उनमें से कोई क्रीम ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तब भी अगर आप इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसके बारे में अच्छी इंक्वायरी कीजिए, तभी यूज़ कीजिए, नहीं तो आपकी एक गलती ना आपकी स्किन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। तो आपके उनमें जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है इस क्रीम के बारे में, नीचे कमेंट कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन।